सब्सक्राइब करिए स्टूडियो तक को, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन हेडलाइंस के एक फ्रेश एपिसोड में। तो जानते हैं आज का हेडलाइंस। सीबीएसई के सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी के पोस्ट पे अनीता खैरवाल को रविवार को अपॉइंट कर दी गई है। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जिसको खुद हेड कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपॉइंट किया है अनीता खैरवाल को। वहीं कमिटी ने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सुदन, जिनका रिटायरमेंट होनी थी 30 अप्रैल को, उनका भी सर्विस को 3 मंथ बढ़ा दिया है। वहीं प्रीति सुदान 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अनीता खैरवाल, जो कि आईएएस चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के पोस्ट पे अपॉइंट की गई है। वहीं एमएचआरडी वाइस अमित खैर, जो कि आईएएस प्रेजेंटली हैं, वो कुछ एडिशनल चार्ज पे नियुक्त हैं। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट महाराष्ट्र के एसएससी के लास्ट पेपर को कैंसिल कर दी गई थी। अब वहां पे उन्हें बहुत सारी चैलेंज को फेस करनी पड़ेगी, और चैलेंज पहला है कि फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस को लेके कोविड-19 आउटब्रेक एंड लॉकडाउन के सिचुएशन में। वहीं एक मीटिंग में एजुकेशन डिपार्टमेंट और सभी बोर्ड्स के ऑफिशियल्स ने शामिल हुए थे, उसमें डिसीजन इसी FYJC एडमिशन के प्रोसेस पे ही ली गई है, जिसमें सभी बोर्ड्स CBSE, ICSE और SSC के क्लास 10th के एग्जाम को लेके अपनी अपनी स्टेटस है। जहां CBSE ने अपना 10th के एग्जाम को क्लियर कर लिया है, वहीं ICSE अभी अपना पेपर लेना बाकी है, वहीं SSC भी अपना पेपर को कैंसिल कर दिए हैं। इस सिचुएशन में एक गहरा मंथन के बाद डिसीजन को आगे ली जाएगी महाराष्ट्र एजुकेशन के द्वारा। वहीं एक मीडिया के हवाले से खबर आई है, पूरी दुनिया को महामारी में धकेलने वाला देश चीन के 2 मेन सिटीज में स्कूल को खोल दी गई है। जिंदगी नॉर्मल हो गई है वहां पे, और अब स्कूल में बच्चे पहली बार मंडे को अटेंड करे हैं। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया को कोविड-19 देने वाला देश इतनी जल्दी उभर कैसे गया है। जहां ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE ने UGC के साथ मिलकर 3 ईयर का CA कोर्स की टेन्योर को घटा के 2 ईयर कर दी गई है। वहीं AICTE के द्वारा से कहा गया है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम से आते हैं, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स और बेसिक साइंस से। इसे डिसीजन को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इस डिसीजन को स्वीकार कर लिया है, और वो अपने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA प्रोग्राम को ऑफर कर रही है 2020-21 सेशन के लिए 2 ईयर्स के लिए। वहीं एडमिशन MCA कोर्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में NIMCET स्कोर्स के बेस पे होगी, और जो कि कंडक्ट की जाती है NIT यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा। नेशनल वाइड लॉकडाउन को देखते हुए NMIMC यूनिवर्सिटी ने NPTA 2020 एग्जामिनेशन के डेट को पोस्टपोन कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस जारी करते हुए ये एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करने की नोटिस दी गई है। जो NPTA टेस्ट जो कि शेड्यूल थी May 9 को और 10 को, उसे कंडक्ट की जाएगी 18 और 22 मई को अलग अलग सेंटर पे। जो कैंडिडेट ऑप्ट किए थे एग्जामिनेशन May 9 को, उनका पेपर अब May 18 को होगी। वहीं जो बच्चे एग्जामिनेशन 10 मई को ऑप्ट किए थे, उन्हें 22 मई को ये पेपर दी जाएगी। साथ ही नेशनल टेस्ट ऑफ प्रोग्राम आफ्टर 12th NPTET 2020 अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस पेपर है, जो कि कंडक्ट की जाती है NMIMS यूनिवर्सिटी के द्वारा। यूनियन HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने सोमवार को ट्विटर पे वेबिनार के समय साझा किया कि वो मंगलवार को मीटिंग होस्ट करेंगे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के साथ। एकेडमिक सिचुएशन अभी और आने वाले टाइम पे के बारे में डिस्कशन होगी। वहीं ट्विटर पे सवाल पूछते हुए पेरेंट्स और टीचर्स ने जहां पूछा था कि क्लास 12 पेंडिंग पेपर का क्या डिसीजन सरकार ने लिया है, तो उन्होंने कहा कि जहां पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि क्लास 12 के कुछ मेन एग्ज़ाम के ही पेपर ली जाएगी, वहीं अब जब मांग उठ रही है कि पेपर को कैंसिल कर दें, तो रमेश पोखरियाल ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि पेपर ली जाएगी और गवर्नमेंट और CBSE ने पूरी तरह से प्लान कर ली है कि कब और कैसे ली जाएगी रिमेनिंग पेपर को।
तो एजुकेशन हेडलाइंस में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।